नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूँ। आप लोग जानता ही है, पहले मैं बोला था आप लोगों को दूसरे वीडियो में जी, मैं शोलेन घोष एसजी रॉयल हॉबी सेंटर का जो प्रोपराइटर है, मैंने कलकत्ता में एक कॉइन एग्जीबिशन करने चला हूँ। तो वो एग्जीबिशन अभी अगले महीने में शुरू होगा। 3 दिन का ये एग्जीबिशन, इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन मैं कर रहा हूँ। बाहर से भी बहुत सारे स्टॉल लगेगा और इंडिया का बहुत सारे जाने माने कॉइन डीलर वहाँ पर स्टॉल लगाएगा। वो एग्जीबिशन में आप सबको स्वागत है, आप लोग आइए। तो मेरा जो एग्जीबिशन होने वाला है, ये एक सोशल कॉज है। इसमें दोस्तों मैं पिछले 30-32 साल से एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है, मैं वो एनजीओ का सेक्रेटरी हूँ, थैलेसेमिया एंड एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी, जहाँ पर थैलेसेमिया पेशेंट और एचआईवी एड्स अफेक्टेड पर्सन को भी सेवा मैं करता हूँ। तो इसीलिए हम लोग, मेरा सोसाइटी से कोई डोनेशन किसी से नहीं लेता हूँ। हम और मेरा कमेटी मेंबर मिलके 30-32 साल से अपना फंड से ये एनजीओ हम लोग चलाता हूँ, ये थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों लोग के हेल्प के लिए। ये एग्जीबिशन से जितना नफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, पूरा ही थैलेसेमिक चिल्ड्रेन को दिया जाएगा। और एक कॉइन एग्जीबिशन का ओपनिंग करेगा वो थैलेसेमिक चिल्ड्रेन लोग। ये एग्जीबिशन कब और कहाँ होने वाला है, ये अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और आप लोग कैसे हुआ पार्टिसिपेट कीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जरा ध्यान से मेरा बात आप लोग सुनिए और याद भी रखिए। अगले 1st, 2nd, 3rd अप्रैल यानी ये एग्जीबिशन हो रहा है 1, 2, 3 अप्रैल 2022 को। कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। हल्दीराम बैंक्वेट हॉल 24 बालीगंज पार्क कलकत्ता 19। अगर आप लोग हावड़ा से आएगा तो गुरु सदाई रोड बस स्टॉपेज में उतार के एकदम आपका बायां तारा हल्दीराम जो बिल्डिंग है उसका 3rd फ्लोर में एग्जीबिशन हो रहा है। और आप लोग गड़ियाट या बालीगंज या साउथ कलकत्ता से आने वाला है तो आप लोग सीधा सीधी चलाइए बिरला मंदिर का बगल में, ये हल्दीराम बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर। 1, 2, 3 अप्रैल मॉर्निंग 10 से लेकर इवनिंग 7 तक ये एग्जीबिशन खुला रहेगा और यहाँ पर एंट्री फ्री है, कोई पैसा नहीं देने है किसी को एंट्री फी। आप लोग जाइए वहाँ, कॉइन नोट आदर्श जो कलेक्टिबल आइटम है आप लोगों का अगर खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत सारे डीलर लोग आएगा, जैसे मेरा इंडिया का है वैसे ही विदेश से भी बहुत डीलर आ रहा है वहाँ पर। और एक बात, कॉइन सेलिंग कैसे करें दोस्तों, हर सिक्के तो सेलेबल नहीं है, इसीलिए जो रेयर और स्केयर सिक्के, अगर वो जेम यूएनसी कंडीशन का होगा तो वो सिक्के जरूर कोई भी डीलर या सेलर वो खरीद लेगा। लेकिन अब लोग बुरा भर के जो सिक्के सेलेबल नहीं है, यूज्ड सिक्के, जो सिक्के केजी के भाव में सेल होगा, वो सब सिक्के लेके या नोट लेके मत जाइए। अगर नोट का बंडल है, सिल्वर का कॉइन है, सोने का मोहर है, अगर ब्रिटिश का नोट है, रिपब्लिक इंडिया का नोट का बंडल है, तो दोस्तों ये सब एकदम सिलेक्टिव आइटम लेके वहाँ जाइए। करीब 60 स्टॉल तो हॉल में लगेगा, फिर भी बाहर में बहुत सारे दुकान वहाँ पर बैठेगा, वहाँ बहुत सारे आदमी दुकान लगाएगा, उन लोग भी आपका जो कॉइन या नोट और भी कुछ जो आइटम है वो खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन तब खरीदेगा जब वो कॉइन नोट या दूसरा कोई आइटम खरीदने वाला होगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास रेयर केयर कॉइन नोट जो भी हो वही ले जाइए, दूसरा कुछ आइटम मत ले जाइए, क्योंकि सेल नहीं होने वाला है। तो मेरा वीडियो आप लोग देखता है, मैं जो जो कॉइन का बात करता हूँ, जो जो नोट का बात करता हूँ, जो कलेक्टिबल आइटम का बात करता हूँ, वही लेन देन होता है और वही आइटम आप लोग ले जाइए, जरूर सेल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।